थोड़ा मसाला में दिक्कत वाली दिक्कत है, हम लोग रुकने वाले हैं, हम लोग देखते हैं कहाँ मना किए थे। आज यहाँ रांची के SDC सभागार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर थोड़ा सा साइड हो जाइए, पीछे से हम लोग लेंगे मंच पर उपस्थित। राज के ऐसा नहीं कुछ ये गलत बात, ये गलत बात और भी जाए इतना कहाँ सब कर भाई नहीं मिलेगा भाई, अरे प्रेम में आ जा रहा है। और हमारे पार्टी के महिला मोर्चा अध्यक्ष भवा मालिक जी उपस्थित, हमारे आदरणीय मस्कर साहब प्रेम में आ जा रहे, हम तभी से यहाँ पर खड़ा वीडियो के लिए, पार्टी के सभी गणमान अतिथिगण यहाँ उपस्थित, रांची जिला के महिला मोर्चा के सभी सम्मानित महिलाएं सदस्यगण यहाँ उपस्थित, रांची के विभिन्न वार्डों के जनप्रतिनिधि, विभिन्न जिलों से आए हुए हमारे महिला विंग के सदस्यगण, आज के इस शुभ अवसर पर हमारे स्वागत में शामिल सभी छात्राएं और जो सम्मानित हुए यहां पर आज महिला दिवस के शुभ अवसर पर, उन सभी सम्मानित महिलाएं आप सबका आज इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी ओर से जोहार नमस्कार सलाम करते हैं। निश्चित रूप से देश के आधे आबादी के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन और देश के विभिन्न कोनों में झारखंड प्रदेश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की जो भूमिका है महिलाओं की जो सहभागिता है मुझे लगता है आज के दिन में कोई भी काम या कोई भी व्यवस्था चलाना संभव नहीं। आज इस अवसर पर महिलाओं के विषय में दिन भर चर्चाएं होती रहेंगी, इतिहास से लेकर वर्तमान से लेकर भविष्य तक की बातें और चर्चाएं होंगी।
आज हम विकास के पद पर किस तरीके से महिलाओं की सहभागिता देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, इन सब विषयों को आज हमें जानने समझने का एक बेहतर दिन। विगत साल भर से हम लोग वैश्विक महामारी COVID-19 से जूझते रहे हैं। पूरा देश और दुनिया इसके आज चपेट में है। बदलाव सृष्टि का नियम। अगर हम नहीं बदलना चाहते तो वक्त हमें बदल देता है। और आज कहा जाए कि ये COVID-19 हेलो एक ऐसे ही परिस्थिति की ओर संकेत कर रहा है। हमने देखा इस पूरे साल भर के वक्त को कि किस तरीके से महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर आज इस संक्रमण की लड़ाई को परास्त किया है। और झारखंड जैसे प्रदेश में आज इस पैंडेमिक COVID-19 से अगर हमें थोड़ी बहुत राहत मिली है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका महिलाओं की रही है। और शायद आपका सहयोग ना होता तो ना जाने हम कितनी चीजों को और ना जाने हमारा कितने लोगों की जाने चली जाती। चाहे वो आंगनबाड़ी समूह की महिलाएं हो, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी की नर्सेस महिलाएं हो, डॉक्टर्स हो, सिस्टर हो, पुलिस कर्मी हो, सभी लोगों ने। और ये गर्व की बात है कि आज हम अपने दिनचर्या व्यवस्था में महिलाओं को बराबरी का हिस्सेदारी बना। सदियों से महिलाओं को पुरुष से पीछे रखा गया है, लेकिन अब महिलाओं के आत्मबल, आत्मविश्वास और महिलाओं के कार्यशैली से आप सब लोग अपने मुकाम तक पहुंच रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आज के दिन जिस सोच और लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लेंगे उस लक्ष्य को आप हासिल करें।
हम लगातार अपने राज्य में महिलाओं के प्रति या महिलाओं के लिए उनके पैरों पर खड़ा होना, उन्हें स्वावलंबी बनाना, कैसे वो सशक्त हो सकती हैं, इस पर हम काम कर रहे हैं। और वो इसलिए भी जरूरी है, मैं समझता हूं किसी घर में अगर महिलाएं मजबूत होती हैं तो उस घर के आने वाले पीढ़ी को एक बेहतर वातावरण और मजबूती प्रदान होती है। आज हमारे राज्य में बजट का भी हमारा सत्र चल रहा है और इस व्यस्तम कार्यक्रम में आप लोगों ने यहाँ हमें आमंत्रण किया, मैं आप सब लोगों का भी आभार प्रकट करता हूँ और आज के इस शुभ अवसर पर पुनः आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी और से इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सबको।